जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद अलकमा, और आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से हम अपनी एड्स के लिए वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड क्रिएटिव बहुत ज़्यादा ऐड में मैटर करता है। ऐड क्रिएटिव जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी ऐड परफॉर्म करती है, तो ऐड क्रिएटिव बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। बना बनाया यहाँ पे ऐड जो हमें मिल जाता है, जो लोग हमारे कंपटीटर जो होते हैं वो ऐड चला रहे होते हैं, तो यहाँ से वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, पहले तो टॉयलेट ब्रश यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ। आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको सर्च कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऐड क्रिएटिव जो है वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है और उसको हम डाउनलोड करेंगे। मैं सिंपल आपको यहाँ से सिंपल वे में ना एक करके, कोई भी एक करके दिख लूँगा। एक तो तरीका ये होता है डाउनलोड करने का कि लोग क्या करते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट पर आए और ये थ्री डॉट पर आपने क्लिक किया और कॉपी एड्स लिंक पर क्लिक कर दिया। उसके बाद गूगल क्रोम पर आए, गूगल क्रोम पर जो है एक्सटेंशन सर्च कर लेते हैं, फेसबुक वीडियो डाउनलोड इजी एओ वाला ओपन कर लिए। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है लिंक कॉपी कर देंगे। अब हमने यहाँ लिंक कॉपी की, डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो ये इस तरह से फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से डाउनलोड कहाँ से होगा? फेसबुक से होगा। फेसबुक पे आपको वीडियो देख रहे हैं और आप उसका लिंक यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कोई वीडियो अगर मेरे सामने शो हो रहा है फेसबुक पर, तो मैं उसका लिंक आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। कोई वीडियो मेरे सामने आ जाए, जैसे कि ये एक वीडियो हमारे सामने आ रहा है, तो जो भी वीडियो आपको डाउनलोड करना है, तो ये यहाँ पे कॉपी लिंक किया मैंने थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर फिर आ गया। और सेम वे में आप फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो गूगल क्रोम से मोबाइल पर भी इस तरीके से कर सकते हैं। मोबाइल पे आप फेसबुक वीडियो डाउनलोड सर्च कीजिए और फिर फेसबुक की वीडियो इस तरह से लिंक कॉपी करके यहाँ पर ला के डाल दीजिए, यहाँ पर वीडियो आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए भैया आ गई हमारे पास। अब ये दे रहा है नॉर्मल क्वालिटी या HD क्वालिटी में आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन सवाल हमारा ये है, एज अ मार्केटर या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए हमें जो है प्रोडक्ट की वीडियो डाउनलोड करना है ऐड लाइब्रेरी से, तो यहाँ से कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए एक वीडियो जो हमें अच्छा लग रहा हो और हम वो डाउनलोड करना चाह रहे हो, कोई भी एक वीडियो जस्ट आप ले लीजिए और उसको आप, जैसे कि ये वीडियो मेरे सामने आ रहा है, मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ, ओके। अब ये वीडियो डाउनलोड करना है तो ये सी मोर डिटेल्स या सी समरी डिटेल्स जो भी आ रहा होता है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद इनकी जो दो ऐड चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, सी ऐड डिटेल पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। अब ये आने के बाद ये जो खाली स्पेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए आप। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए इंस्पेक्ट का ऑप्शन जो हमारे पास आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। अब इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है, देखिए ये यहाँ पे जो एलिमेंट नज़र आ रहा है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पे नेटवर्क नज़र आ रहा है। अगर आपको नेटवर्क नज़र नहीं आ रहा होगा तो ये देखिए आगे जो निशान बना हुआ है ना, ये मोर टैब्स का ऑप्शन है, मोर टैब्स, इस पर क्लिक करेंगे आप, मोर टैब्स में और दूसरे टैब्स आपके पास आ जाएंगे। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो वहाँ आपको नज़र आ जाएगा, आप नेटवर्क पर क्लिक कर दीजिए। मैं नेटवर्क पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप वीडियो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर वीडियो पर देखिए राइट लेफ्ट साइड में वीडियो जहाँ मौजूद है, यहाँ पर देखिए मैं स्क्रॉल करके नीचे वीडियो पर आ रहा हूं। अब वीडियो को चंद सेकंड के लिए हम चलाएंगे। जब हम चंद सेकंड के लिए चलाएंगे तो देखिए नाम जहां पे लिखा हुआ है, नाम देखे ना आप, ये नाम आप देख रहे हैं, तो ये नाम जहां लिखा हुआ है यहां पर नीचे जो है ना लिंक आ जाएगा और वहां से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं वीडियो को चंद सेकंड के लिए चलाता हूं, शायद मैं जब चला रहा हूंगा तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। तो ये वीडियो को मैंने चंद सेकंड के लिए चलाया तो आप देखिए जहां पर नाम लिखा है ना, आप देख रहे हैं, वीडियो को ऑफ कर रहा हूं मैं, शायद वीडियो चल रही थी मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैंने वीडियो को ऑफ किया। अब हमने जब चंद सेकंड के लिए वीडियो को चलाया तो देखिए नाम के नीचे देखिए ये लिंक हमारे पास आ चुका है। अब इस पर क्या करना है, हमें सिंपल इस पर यहाँ पे पहुँचिए इस पर और जो है आप राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन न्यू टैब पर आप क्लिक कर दीजिए तो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। लेकिन अभी चलेगा नहीं वीडियो, अभी चलाना है तो क्या करना है, देखिए आप आगे वीडियो। अब ये डाउनलोड हो चुका है हमारे पास, देखिए हमारे, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए ये वीडियो यहाँ पर वो आ चुका है, सेम टू सेम वीडियो। अब इसको चलाना है तो क्या करना है, हमें इसको चलाने के लिए हमें जो है ना राइट साइड पे राइट क्लिक करना है इसको,
राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हल्की सी जो है ना, ये वीडियो देखिए अभी वीडियो फाइल नहीं बन के आया है तो ये चलेगा नहीं, तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, रीनेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप .mp4 लिख दीजिए आगे .mp4 और उसके बाद इंटर दबा दीजिए। अब ये देखिए वीडियो बन जाएगा, इसको ओपन करके चला के देख लीजिए। देखिए चलाता हूँ मैं, ओपन कर रहा हूँ, ओपन हो रहा है देखिए आप। ये ओपन हो रहा है, होने दीजिए, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चलता है। देख रहे हैं ये आ गया हमारे सामने वीडियो, देखे सेम वीडियो है, देखा आपने, ये सेम वीडियो जो हमने वहाँ से डाउनलोड किया था। तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से वीडियो डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया।